नमस्कार, मैं हूं विजय मिश्रा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। अब लॉकडाउन में भी हो सकेंगी शादियां, लेकिन निभानी होगी एक खास शर्त। लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ी समस्या उन परिवारों को थी जिनमें शादी जैसे मांगलिक कार्यक्रम होने थे। इस बार सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और इसमें थोड़ी सी छूट दे दी है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान शादी की इजाजत कुछ शर्तों के साथ दे दी गई है। कोरोना से निपटने, उसे फैलने से रोकने के लिए केंद्र की सरकार ने लॉकडाउन को एक बार और बढ़ाने का फैसला लिया है। लॉकडाउन को अब 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस बार इसमें तमाम रियायतें भी दी गई हैं। गृह मंत्रालय के जरिए इसकी जानकारी दी गई है। लॉकडाउन 3.0 के लिए देश के जिलों को 3 जोन में बांटा गया है। जानकारी के मुताबिक रेड जोन में देश के 130 जिले हैं, ऑरेंज जोन में 284 और ग्रीन जोन में 319 जिले शामिल हैं। इन जिलों का वर्गीकरण मौजूदा कोरोना के केसों के आधार पर किया गया है। यह समय समय पर अपडेट होता रहेगा। लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ी समस्या उन परिवारों को थी जिनमें शादी जैसे मांगलिक कार्यक्रम होने थे। इस बार सरकार ने इस मामले में थोड़ी छूट दे दी है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान शादी की इजाजत कुछ शर्तों के साथ दे दी गई है। शर्तें यह है कि शादी समारोह में 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे, यानी वर और वधु पक्ष दोनों की तरफ से कुल 50 लोग ही शादी का लुत्फ़ उठा पाएंगे। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी रियायतों के मद्देनज़र ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई तरह की और रियायतें दी गई हैं।